नालंदा जिले के तेलहाड़ा थाना इलाके के कुरामा गांव में उप सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गुरुवार को जन अधिकार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर कुरामा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए इस घटना के पर सरकार और प्रशासन दोनों को कटहरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इस मामले में SIT जांच हो और इस कांड को SP संज्ञान में लेते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, चाहे वो रंजिश का कारण हो या किसी अन्य प्रकार से, जिसमें कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन भी दोषी है। श्री दानवीर ने पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद भी की और आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया। एक माँ ने बेटा अपना खोया है और उप सरपंच की पति की हत्या हुई है, और इसमें एक शब्द में मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस मामले की SIT जांच हो, SP के संज्ञान में कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा हो। ये तीन मुख्य मांग है, क्योंकि आए दिन लगातार जनप्रतिनिधि जितने हैं, जैसे प्रदेश भर में आपका लगभग लगातार ये घटना आप सुनते आ रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, और लगातार चाहे रंजिश अनेकों रंजिश हो, अनेक प्रकार का रंजिश हो, लगातार जो ये हत्या हो रही है इस पे सरकार कहीं ना कहीं मौन है और प्रशासन की भी चूक है। यदि प्रशासन चाह जाए तो अपराधी पर नहीं मारेगा, लेकिन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं चूक है और अपराधियों में कहीं ना कहीं प्रशासन का जो खौफ है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम यहाँ हिलसा विधानसभा में, ये कुरामा पंचायत पड़ता है और यहाँ कुरामा ग्राम भी है, कुरामा गांव भी है, और इसके जो उप सरपंच हैं उनके पति का हत्या कर दिया गया है बीते दिनों, जो बहुत चर्चा का अभी बना हुआ है, और अपराधी 6 दिनों से फरार है, अपराधी हाथ में आया नहीं है, प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है। तो हम SP से आग्रह करते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कर इसको अपने स्तर से इस मामले को देखें, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है प्रशासन पर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो कम से कम जनता की सुरक्षा अच्छा से करे ताकि अपराध घटे। लगातार जो लूटपाट हत्याएं हो रही है, अभी बिहार का आंकड़ा है कि न जाने कितने जनप्रतिनिधि ने चुनाव बाद अपना जान गंवा दिया। सरकार बैठी रही, सरकार का कोई एक्शन नहीं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार इस मुहिम में पीड़िता को न्याय देने के लिए लगातार वो दौरा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हत्याएं हो रही है वहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है, और इसमें पुनः आपसे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इसमें SIT जाँच हो, SP के संज्ञान में कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधी की सजा हो। बस।